हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। सो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, है ना, आपका 10th मैथ्स का। इसके पहले लेक्चर में हमने देखे थे असाइनमेंट के बारे में, हम चर्चा किए थे, है ना। असाइनमेंट के जितने सारे क्वेश्चन हैं उसके बारे में मैं बताया था आप लोगों को, क्वेश्चन को किस तरह से, है ना, तो उसको आपको खुद को बनाना है क्वेश्चन को, है ना। बस मैं उसका टेक्निक बताया हूँ कि इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से लगभग सभी बच्चों ने असाइनमेंट तैयार कर लिए होंगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे चैप्टर जो एक्सरसाइज है आप उसको हम स्टार्ट करेंगे, ओके। तो चलिए जो क्वेश्चन हम चल पढ़ रहे थे, आपको 14 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर प्रश्न, ठीक है। अब इसी के आगे हम सॉल्व करेंगे, जैसे 15 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। यदि किसी समांतर श्रेणी के n, 2n, 3n, अब पद अलग अलग हो गया, इसके पहले जो क्वेश्चन पढ़े थे उसमें पद nवा पद ही था, ठीक है जी। तीन समांतर श्रेणी था, श्रेणी तीन था, अब यहाँ पर एक ही श्रेणी है। इसके पहले क्वेश्चन में श्रेणी तीन था तो nवा सभी पदों का nवा पद, सभी श्रेणी का nवा पद था। यहाँ पर एक ही श्रेणी है उसका अलग अलग पद, nवा पद, 2nवा पद, 3nवा पद, ऐसा ना, के पदों का योगफल क्रमशः s1, s2, s3, तीनों दोनों क्वेश्चन में अंतर समझिए आप लोग। तीन समांतर श्रेणी था पहले क्वेश्चन में, यहाँ पर एक ही समांतर श्रेणी है उसका अलग अलग पद था, वहां पर तीन समांतर श्रेणी अलग अलग था तो उसका पद एक ही था, ठीक है जी। वहाँ एन ही पद पूछा था, यहाँ पर एनवा पद, 2nवा पद, 3nवा पद पूछा है, है ना। तो योगफल क्रमशः एनवे पदों का योगफल s1 है, है ना, 2nवे पदों का योगफल s2 है और 3nवे पदों का योगफल S3 है, तो सिद्ध करना है कि S3 is equal to 3 S2 minus S1 हमको सिद्ध करना है, ठीक है जी। तो चलिए बहुत ही सिंपल है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर का आता है ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, 14 और 15 नंबर का प्रश्न, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो हम एक काम करते हैं, पहले इस श्रेणी का पहला पद तो दिया नहीं है आपका, चलो मान लेता हूँ मैं पहला पद, ठीक है जी। तो चलिए पहले पद से लेकर चलता हूँ, है ना, उसमें योग बस दिया है आपका, तो चलिए मैं लेता हूँ श्रेणी का पहला पद, माना समांतर श्रेणी का पहला पद क्या है, एक ही तो समांतर श्रेणी है, ठीक है, तो समांतर श्रेणी का पहला पद a है, ठीक है जी। तथा अंतिम पद भी ले लेता हूं मैं, क्या दिक्कत है, a ले लेता हूं, है ना, ठीक है, उसी के थ्रू बनाऊंगा। तथा अंतिम पद क्या है, L है, ठीक है जी। अंतिम पद क्या है, L है, या सर्वांतर D के हिसाब से भी बना सकते हैं आप लोग, ठीक है ना जी, वैसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर S2 माइनस S1 है, ठीक है जी, ये निकल गया अंतिम पद के लिए। तो हम क्या करेंगे, हमको निकालना है क्या, S2 माइनस S1 इज इक्वल टू, है ना, तो चलिए क्या करते हैं, L है आपका, है ना, देखते हैं इसमें आता है कि फिर उसको D के लेके चलना पड़ेगा ना, देखिए क्योंकि इसमें सभी समान रहता है। चलिए देखिए, माना श्रेणी का प्रथम पद A, अंतिम पद L लिया। अब देखो यहाँ पर एक ही श्रेणी है, अलग अलग पद दिए हैं, ठीक है जी। जैसे यहाँ पर समान श्रेणी के nवे पद, 2nवे पद, 3nवे पद का, है ना, तो प्रारंभ में लेते हैं पहली अवस्था क्या है, श्रेणी का nवा पदों का योगफल, ठीक है जी। तो श्रेणी के nवे पदों का योग प्रारंभ अवस्था कितना दिया है, s1 दिया है, श्रेणी के nवे पदों का योगफल कितना दिया हुआ है, s1 दिया हुआ है, इसी को हम लेके चलेंगे कैसे, s1 इज इक्वल टू nवा पद है ना, तो n बटे 2 a प्लस l ऐसा ले लेता हूं, ठीक है जी। हाँ, नेक्स्ट है आपका फिर 2nवे पदों का योगफल, ठीक है जी, इसको एक नंबर दे दीजिए, ठीक है। श्रेणी के श्रेणी के 2nवे पदों का योग कितना दिया हुआ है आपका, s2 दिया हुआ है, ठीक है जी। तो 2nवे पद मने n के स्थान पर 2n लिखेंगे, बाकी वही रहेगा आपका, तो s2 = 2n
बाय टू ए प्लस ए लोग क्या, ये तो वही रहेगा ना, वही से रह गया प्रथम पद अंतिम पद वही रहेगा, ठीक, समीकरण नंबर दो हो गया, ठीक। और बोला है तथा तीसरा श्रेणी दिया, तीसरा श्रेणी वही है ना, श्रेणी का समांतर श्रेणी का 3m वे पदों का योग कितना है, S3 है, ठीक है, कितना दिया हुआ है, S3 दिया हुआ है, तो बन जाएगा S3 बराबर 2n वे पद लिखा है, 3n वे पद सॉरी, तो 3n बटे 2a प्लस n, ऐसा हो गया, इसको दो समीकरण नंबर तीन हो गया, ठीक। अब क्या बोला है, देखो यहाँ पर हमको लेना है S2 is equal to 3 S2 minus S1, तो एक काम करता हूँ मैं इस पर राइट हैंड साइड को ले लेता हूँ, तो राइट हैंड साइड हमारा क्या दिया हुआ है, 3 into S2 minus S1 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब इसी में जो वैल्यू दिया हुआ है, देखो S2 का मान दिया है, S1 का मान दिया है, दोनों मान को हम ले लेते हैं, ठीक है जी। तो S2 minus S1 का मान देखो यहाँ पर रख देते हैं, है ना, S2 का मान कितना दिया, यहाँ लेके चल रहा हूँ, तीन RT पहले से है, ठीक है। S2 का मान कितना है हमारे पास, 2n upon 2a plus n, ठीक है, माइनस S1 का मान n बटे 2 a plus n, ये हमने रख दिया, ठीक है। अब चलिए आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या बनेगा देखिएगा, a प्लस एल दोनों में प्लस एल, एन भी दोनों में दिख रहा है ना, यहाँ पर देखो ये दोनों दो दो कट गया आपका, तो एन ये a प्लस एल, एन ए प्लस एल दोनों में है आपका, तो मैं इसको कॉमन निकाल देता हूँ, तो क्या बचेगा, तीन यहाँ हो जाएगा आपका, तीन तीन एन ए प्लस एल, एन ए प्लस एल है ना। अब बचा क्या, देखिए यहाँ पर, यहां n भी निकल गया, n भी निकल गया यहां से, n प्लस l, a प्लस l भी निकल गया, तो यहां बचेगा 1, और यहां बचा n, a प्लस l भी निकल गया, तो 1 बाय 2 बचा हुआ है, 1 बाय 2 हो गया आपका, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, 3n इंटू ए प्लस l, यहां बच गया आपका सिर्फ a प्लस l, हाफ 1 में हाफ माइनस करेंगे तो 1 बाय 2 ही बचेगा ना। अब इसी को हम लिख सकते हैं कैसा, 3n by 2a plus n, ये बन गया, एक और है देखो समीकरण नंबर 3 सेम टू सेम हुई है, मतलब ये क्या हो गया आपका s3, कहां से, समीकरण 3 से, ऐसा हम ले सकते हैं, हो गया। तो ये निकल गया कौन सा, राइट लेफ्ट हैंड साइड हमने निकाल लिया, ठीक है। तो ये 6 नंबर का आता है आपका क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इसी में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर ना, टेलीविजन बनाने वाली एक कंपनी तीसरे वर्ष में, देखो क्या बोल रहा है ना, टेलीविजन बनाने वाली एक कंपनी तीसरे वर्ष में 600 टेलीविजन तथा सातवें वर्ष में 700 टेलीविजन है ना और बनाते हैं, तो यदि मानते हैं कि प्रत्येक वर्ष, ठीक है जी, प्रत्येक वर्ष बनने वाले टेलीविजन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या की वृद्धि होती है ना, तीसरे वर्ष मतलब तीसरा पद हो गया, यहाँ वर्ष क्या है, पद है, वर्ष क्या है, पद है, तीसरा पद में, तीसरा वर्ष में 600 है, मतलब तीन तीन तीसरे पद में 600 है, फिर सातवें वर्ष में बोला तो सातवें पद हो गया आपका, ठीक है ना जी। तो सातवें वर्ष में 700 टेलीविजन बनाती है, मतलब समझ गया, तीसरा पद 600 है, सातवां पद 700 है, ठीक है। तो यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष में टेलीविजन बनाने वाली संख्या में हर साल समान संख्या वृद्धि होती है, जैसे यहाँ देखो अब क्या वृद्धि होती है, देखो यहाँ पर देखते हैं, है ना, निश्चित संख्या की वृद्धि होती है, ठीक है जी। अभी क्या वृद्धि हो रहा है नहीं पता, पर देखो प्रथम वर्ष में बनाए गए टेलीविजन की संख्या क्या है वो भी हमें नहीं पता, तीसरे वर्ष का दिया है, ठीक है ना जी। फिर नौवें वर्ष में बनाए गए टेलीविजन की संख्या ज्ञात करना है ना। फिर सातवें, प्रथम सात वर्ष में बनाए गए, प्रथम सात वर्ष मतलब
पहले वर्ष था, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष, पांचवा वर्ष, छठा वर्ष, सातवा, तो कम्प्लीटली उसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, समझ गए। और नौवें वर्ष में बनाएंगे टीवी, मतलब वो नौवां पद आपको ज्ञात करना, नौवां पद मतलब ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, सीधा डायरेक्ट ये फार्मूला लगाएंगे हम, समझ गए। तो चलिए ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न, ठीक है जी, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ठीक है। तो देखो तीसरे वर्ष में दिया है, तीसरे वर्ष में बनाए गए टेलीविजन है ना, मतलब तीसरा पद, ठीक है, उसी को बोलेंगे। तो माना यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है जी। अब ये श्रेणी किस रूप में है, निश्चित संख्या वृद्धि हो रही है, वही तो होता है ना, समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक पद है ना अपने पूर्व पद से एक निश्चित संख्या जोड़ते हैं, मतलब वृद्धि हो रही है, वही क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी। मतलब वो जो वृद्धि हो रही है हर साल, वो निश्चित संख्या की वृद्धि होगी, मतलब वो कौन होगा, समांतर श्रेणी के रूप में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है जी। तो माना यहाँ पर ले लेते हैं, प्रथम वर्ष में बनाए गए टीवी लिख देता हूँ जी डायरेक्ट, ठीक है, कितना, चलो ए, ए टीवी है आपका प्रथम वर्ष पद, प्रथम पद हो गया आपका, ठीक है। अब इसमें देखिए निश्चित संख्या वृद्धि हो रही है तो हमें नहीं पता, तो माना यहाँ पर ले लेते हैं तथा वही सर्वांतर होगा आपका, ठीक है जी, उसी को मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या, सर्वांतर करके, सर्वांतर, सर्वांतर क्या है, डी है, और सर्वांतर डी है वही है निश्चित संख्या वृद्धि होती है, जो निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, ठीक है। अब यहाँ पर दे तीसरे वर्ष में बनाएंगे टेलीविजन, ठीक है, प्रश्न अनुसार है ना, प्रथम से क्या कहता है, तीसरे वर्ष में बनाएंगे टेलीविजन, ठीक है जी। तो तीसरे वर्ष में बनाए गए टीवी, ठीक है, कितना होगा आपका बताइए, टीवी की संख्या कितना बनाया तीसरे वर्ष में, इसको लिख सकते हैं टी थ्री लिख सकते हैं, कितना बनाया उसने, 600 बनाया, कितना बनाया 600। तो तीसरे वर्ष मतलब क्या आएगा, तीसरा पद, तीसरा वर्ष माने तीसरा पद हो जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे, ए प्लस थ्री माइनस वन इन टू टी बराबर 600, ऐसा हो गया, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, देखिए ए, ए मतलब हो गया नहीं पता है ना, तीन में गया दो डी बराबर हो गया 600, चलो इसको मैं एक नंबर देता हूँ, समीकरण नंबर एक। अब फिर क्या बोले, सातवां वर्ष, ठीक है जी, तो प्रथम सात वर्षों में बनाया गया टेलीविजन, तो सातवें वर्ष मतलब अंतिम पद भी दिया है आपका, आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना जी। तो चलिए देखिए, तो प्रथम सातवां पद भी दिया है तो हमको पहले एक का मान भी तो ज्ञात करना पड़ेगा ना, तो सातवां पद ही अंतिम पद है टोटल, है ना, ठीक है जी। तो देखो क्योंकि प्रथम सात वर्षों में बनाया गया टेलीविजन पोर्ट है, तो सातवें वर्ष को तो दिया है, तो प्रथम सात वर्ष मतलब जैसे वो अंतिम पद हो जाएगा आपका, समझ गए, एल हो जाएगा वो सातवां वर्ष, समझ गए, क्योंकि सात प्रथम साल यहाँ पर बोला है प्रश्न, प्रथम सात वर्षों में बनाए गए कुल टेलीविजन की संख्या, तो प्रथम सात वर्ष, सातवां आखिरी हो गया, तो हम सातवां पद उसमें दिया है जी, तो वही अंतिम पद हो जाएगा, डायरेक्ट हम ए प्लस एक वाला फार्मूला रख देंगे, ठीक है। तो तीसरे वर्ष में बनाए गए टीवी, अब सातवें वर्ष में, तो सातवां पद है मतलब ना, सातवें वर्ष में बनाए गए टीवी, टीवी कितने बनाए उसने, टी सेवन इज इक्वल्स टू शायद 700 बनाए उसने, ठीक है जी। अब क्या होगा, 700 बना रहे हैं, अब यहाँ टी सेवन मतलब कैसे विस्तार करेंगे, ए प्लस सेवन माइनस वन इन टू डी बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसको, ए प्लस सात में गया 6d बराबर हो जाएगा 700, ही हो गया समीकरण नंबर दो। अब दोनों समीकरण को हल करके हम क्या करेंगे, ए और डी का मान हम ज्ञात करेंगे, ए है प्रथम वर्ष में बनाए गए टीवी संख्या, है ना, चलिए दोनों को सॉल्व करें क्या, तो समीकरण एक में समीकरण दो को क्या करने पर, घटाने पर, तो घटा दिया जाए, क्या है हमारे पास, देखिए ए प्लस टू डी
बराबर 600 और a प्लस 6d बराबर 700। घटा दिया जाए तो घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन ऋण, ये भी क्या हो जाएगा ऋण, ये भी क्या हो जाएगा ऋण हो जाएगा। a एक कट गया, 6 में 2 गया कितना बचेगा आपका ऋण 4d, 7 में 6 गया तो ऋण 100 बचेगा आपका। ठीक है, दोनों तरफ से ऋण ऋण कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास डी का मान कितना मिला, डी बराबर हो जाएगा आपका है ना 100/4, 100/4 मतलब कितना आ गया आपका 25। डी का मान कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक, मतलब निश्चित संख्या हर साल 25-25 वृद्धि हो रही है। कितना कितना वृद्धि हो रही है, निश्चित संख्या 25 वृद्धि हो रही है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, हाँ डी के मान को, ये डी का मान है उसको कोई भी समीकरण रख देते हैं ना, तो देखो बोला तो डी का मान समीकरण एक में रख देते हैं रखने पर, तो रख दीजिए डी का मान यहां रख देते हैं तो क्या होगा ए धन है ना, क्या हो जाएगा रघुमान ए प्लस 2 × d माने 25 बराबर हो गया आपका 600 है ना, तो 25 दूनी कितना हो गया 50। ठीक है जी, तो 600 ऋण कितना हो गया आपका 50। ठीक, कितना होगा a बराबर कितना निकल गया आपका बोलिए, 25 50 में घटा दो कितना आ जाएगा आपका बोलिए, 50 से कम करेंगे तो है ना हो जाएगा 550। ठीक है, निकल गया आपका। ठीक है, तो अर्थात प्रथम वर्ष में कितने बनाए जाते हैं 550 TV, तो दूसरे वर्ष में कितना हो जाएगा आपका, दूसरे वर्ष में 550 है उसमें और बढ़ा दो 25 तो कितना 575, फिर तीसरे वर्ष में 600 हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया। अतः प्रथम वर्ष में बनाए गए टीवी की संख्या पूछा गया है, प्रथम वर्ष में बनाए गए टेलीविजन की संख्या इतनी होगी। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो चाहे तो है ना, क्या पहला प्रश्न पूछा है उसमें ना। ठीक है जी, उसको मैं ऐसे डायरेक्टली लिख देता हूँ है ना, प्रथम वर्ष में यहाँ लिख सकते हो, अतः प्रथम वर्ष में बनाए गए टीवी की संख्या कितनी है 550 TV, कितना 550 TV। ठीक है, पहला है। उसके बाद देखें नौवें वर्ष में बनाए गए टेलीविजन की संख्या, तो नौवें वर्ष में सिर्फ नौवां पद ज्ञात करना है। ठीक है, दूसरा नंबर हमको निकालना है। ठीक है, नौवें वर्ष में बनाए गए टीवी की संख्या मतलब नौवां पद, ठीक है भैया को ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा T9, तो यहाँ वर्ष जो है पद का काम करना है। ठीक है, तो जाएगा a प्लस 9 − 1 × d ऐसा हो जाएगा है ना। अब a का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है, a का मान हमने निकाला ये प्रथम वर्ष तो 550। ठीक है जी, धन 9 × 1 = 8 गुना d का मान कितना निश्चित संख्या वृद्धि हो रही 25, तो हो गया 25। ये d ये जो निश्चित संख्या वृद्धि हो रही है ना, तो हो जाएगा आपका 550 8 25 8 कितना हो गया आपका 200। ठीक है, कितना आ जाएगा जी बताइए, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 750। ठीक है, नौवें वर्ष में बनाया गया टीवी 750 हो गया। ठीक है जी, अब हमको निकालना है तीसरा नंबर, बोले प्रथम 7 वर्षों में बनाए गए कुल टीवी मतलब पहले से लेकर 7 वर्षों तक बनाए गए टीवी, तो हमको तो पूरा प्रथम वर्ष को भी जोड़ना है, दूसरा वर्ष भी जोड़ना है। ठीक है ना जी, तीसरे वर्ष भी जोड़ना है, मतलब हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, योगफल ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है जी, कुल टीवी बताना है। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिएगा प्रथम 7 वर्ष में बनाए गए कुल टीवी है ना, तो तीसरा नंबर है आपका प्रथम 7 वर्षों में बनाई गई कुल टीवी की संख्या। ठीक है जी, संख्या तो हमको सातवें वर्ष मतलब पहले से लेकर 7 साल तक का, मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, आपको डायरेक्टली S7 निकालना पड़ेगा। मींस क्या 7/2 a + l कर लेते हैं ना, क्योंकि सातवें वर्ष का टीवी हमें पता है 700 है आपका। ठीक है ना जी,
सातवें वर्ष में कितने डिग्री बनाते हैं, 700। ठीक है, तो ये एल मतलब अंतिम, अंतिम तो साथ ही है ना भाई हमारे पास, तो एल के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 7/2, एक का मान हमारे पास कितना है 550 धन अंतिम वर्ष मतलब सातवें वर्ष में 700 बनाया उसने। ठीक है, अब चलो जोड़िए, तो 7/2 गुना बन जाएगा आपका कितना, 7 × 5 = 1250 टीवी काट दीजिए, 2 × 1 = 2 इधर कटेगा, 2 × 6 = 12। ठीक है, 2 × 4 बच गए, 2 × 5 = 10, 625। ठीक है जी, तो 625 गुना 7 कितना हो जाएगा, गुना करिए 625 गुना 7। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 7 × 625, 7 × 6 = 35, 7 × 2 = 14, 14 × 3 कितना हो गया 17, और 7 × 6 = 42, 42 और एक कितना हो जाएगा, अरे सॉरी, 7 × 6 = 35 का 5, 7 × 14 और 3 हो गया 17, है ना, 7 × 6 = 42 और एक कितना हो जाएगा 43, ये टोटल बनाएगा 4375 पूरा 7 साल तक के जितने भी टीवी बनाए हैं टोटल। ठीक है, तो ये निकल गया आपका। ठीक, तो ये इस तरह से बनाएंगे, ये भी 6 नंबर के लायक है आपका। ठीक है जी, तो आज के लिए बस इतना ही, और आप ऐसे 17 नंबर 16 नंबर 18 नंबर क्वेश्चन बना के देखिएगा, इस टाइप का ही बनेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।